सिंगल मदर है, अपनी बच्ची छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशली ताकि उनकी पढ़ाई का खर्चा निकल पाए, इसलिए ये स्टॉल जो है वो खोला हुआ है। शिवांग का नाम क्यों रखा ये मोमो स्टॉल का? सर मेरे बेटे का नाम था शिवांग। ओके, तो बेटे का नाम था, तो बेटा अब नहीं है, वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई है। बच्ची को बड़े होकर क्या बनाना चाहते हो? सर वो आर्मी में जाना चाहती है। अच्छा, वो खुद से होता है मामा मुझे आर्मी वुमन बनना है। हिम्मत किसने, कोई दोस्त वगैरह है आपका? दोस्त भी नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसे सर अकेले रहते हैं। कोई बात नहीं, आज से मुझे भाई मान लो, दोस्त मान लो, जो मानना चाहते हो। काफी लोग देख रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आए, और यहाँ पर इतना रश होना चाहिए, इतना रश होना चाहिए कि ये एक मोमो का वो है, दो तीन चार, और दीदी को अच्छी सी दुकान खोल के देंगे हम। आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन सिंगल मॉम्स के लिए जो अपने घर का ख्याल भी रखती हैं, बच्चे को भी संभालती हैं और साथ ही साथ काम भी करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आज मेरे साथ हैं श्रेया जो कि सिंगल मदर हैं और साथ में मोमोज का ये छोटा सा स्टॉल जो है वो रन कर रही है। अब नाम पढ़ रहे होंगे, शिवांग के नाम पर मोमो स्टॉल है। सबसे पहले श्रेया जी कैसे हो आप? तो ये बताओ पहले, ये शिवांग का नाम क्यों रखा ये मोमो स्टॉल का? सर मेरे बेटे का नाम था शिवांग। ओके, तो बेटे का नाम था, तो बेटा अब नहीं है, वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई हुई है। कैसे? उसके लंग्स डैमेज हो गए थे। ओके, तो आप उनका इलाज नहीं करा पाए उस टाइम पे? अभी आपकी, जैसे कि मैं जानता हूँ, एक बेटी भी है आपकी, छोटी सी नन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची भी है, अभी भी ट्यूशन भी गई है यहाँ से चलते हुए देखा हमने। तो ये मोमोज का स्टॉल कब खोला, क्यों खोला, कैसे दिमाग में आया? तो रील्स वगैरह देखी थी, कार्ट वगैरह लोगों ने लगाए हैं। अच्छा, वहाँ से इंस्पायर होके खोला था। तो कैसे मोमोज बनाने पहले आते थे आपको? बनाना सब कुछ आता है सर। बनाना सब कुछ आता है, तो क्या क्या बना लेते हो मोमोज? मोमोज और सूप ही रखा है मैंने यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये सूप है जो कि ये मोमोज के साथ मैंने सुना फ्री में दे देते हो। हाँ जी सर। फ्री में क्यों देते हो? लोग पैसे लेते हैं इसके, अब मोमोज के साथ फ्री में दे रहे हो, चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, सूप में क्या क्या डाला हुआ आपने? कॉर्न है, पनीर है, गाजर, गोभी, सोयाबीन। हाँ हाँ, तो सारा कुछ ही है। और ये सूप भी हम टेस्ट करेंगे और विदाउट अला रोट। अला रोट, विदाउट अला रोट, अला रोट, अला रोट नहीं हम डालते। क्यों नहीं डालते? उससे गाढ़ा होता है, अच्छा नहीं हेल्थ के लिए भी। ओह या, तो हेल्थ कॉन्शियस भी है। तो साथ ही साथ मोमोज, क्या बात है। देखो फास्ट फूड के आइटम्स में जब भी नाम आता है ना, तो मोमोज जो है सबके ज्यादा फेवरेट होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जरूर आके ये मोमोज स्पेशली खाएंगे। अच्छा, आप मतलब जो आपकी छोटी बच्ची है उसको स्पेशली सपोर्ट करने के लिए स्टॉल आपने खोला? यस सर। क्या मतलब, पढ़ाई वगैरह के खर्चे के लिए? हाँ जी। तो आप थोड़ा सा सिंगल मोमो थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि जनता जो आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करेगी। सिंगल मोम आप हैं, अकेले रहती है? यस सर। अपनी बेबी के साथ? हाँ जी। तो कहाँ पे रहते हो? मैं यहाँ पे रेंट पे रूम है मेरा। ओके, रेंट पे रहते हैं हम। तो ये जो अपने जगह ये एक छोटी सी ली है, ये भी रेंट पे ली है आपने? यस सर। अगर मैं पूछूं आपसे कितना मतलब पर मंथ इसका किराया वगैरह? 5000 पर मंथ। 5000 पर मंथ आपको देना पड़ता है। कितना टाइम हो गया इसको खोले हुए? इसको हो गए 2 मंथ। टू मंथ्स हो गए। तो अभी सब कुछ गुजारा चल पा रहा है, निकल पा रहा है, सब कुछ हो जाता है, निकल जाता है, क्या बात है। तो चलो श्रेया जी से हम बाकी बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोमोज की प्लेट एक हमारी भी लगा दीजिए ताकि हम भी आपके मोमोज टेस्ट करें। और मैं चाहूंगा ना यार कि आप भी यहाँ पर आके जरूर मोमोज टेस्ट करें, क्योंकि हमने श्रेया जी को सपोर्ट करना है। सिंगल मदर है, अपनी बच्ची छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशली ताकि उनकी पढ़ाई का खर्चा निकल पाए, इसलिए ये स्टॉल जो है वो खोला हुआ है। मोमोज की प्लेट लग रही है, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। आपने सुना होगा फत्तू चौगान फेमस बांटे वाला चौक, वो बिल्कुल सामने है मेरे, वहाँ पे फत्तू चौगान की फेमस बांटे वाली शॉप है। और यहाँ से आप चलते हुए आओगे देखोगे यहाँ पे मेहंदी की दुकान है, ये सामने प्रकाश संतोष मेहंदी, इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर मोमोज का ये स्टॉल है, नाम आपको दिख जाएगा, शिवांग के नाम पर ये मोमो स्टॉल है। और हमने श्रेया दीदी के पास आना है, और यहाँ पे आप ऊपर से बटर भी लगा रही है, क्या बात है, लगाइए इधर, और साथ में चाट मसाला। अच्छा, इनके मोमोज टेस्ट करके बताएंगे आपको। मुझे पूरा मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि मोमोज में थोड़ी सी भी कमी होगी, साथ में चटनी। ये मोमोज घर से बना के लाते हो, यहाँ पे गर्म करते हो? हाँ जी। क्या बात है, टेस्ट कर ले। मोमोज टेस्ट करते पहले थोड़ी सी मेयोनीज एंड थोड़ी सी चटनी के साथ। नो डाउट मोमोज बहुत ज्यादा टेस्टी है, सीरियसली बहुत प्यार है। आपकी बेटी खाती है? हाँ जी। उसको खिलाते हो? क्या बोलती है? वो तो रोज मांगती है। रोज ही मांगती है? देते रोज? नहीं नहीं नहीं, रोज नहीं है ना मम्मी, फिर आफ्टर ऑल मम्मी हो। अच्छा, आपकी एज क्या है अभी? 23 है यार, सिर्फ 23 साल की उम्र, और इतनी छोटी उम्र में एक बच्चे की जान चली गई, लंग्स डैमेज हो चुके थे, इलाज नहीं कर पाए, छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, और उसके खर्चे के लिए, उसकी पढ़ाई कराने के लिए
एक छोटा सा मोमो का स्टॉल, क्या बच्ची को बड़े होकर क्या बनाना चाहते हो? सर वो आर्मी में जाना चाहती है। अच्छा, वो खुद से होता है मामा मुझे आर्मी वुमन बनना है। तो आप बनाओगे उसको आर्मी वुमन? हम साथ में मिलके बनाएंगे आर्मी वुमन। मैं सीरियसली चाहता हूँ जितनी भी बकलोल जनता देख रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले हमने तालाब तिलो में एक लद्दाखी दीदी थी जिन्होंने डिग्री की हुई थी और उसके बाद मोमोज का वो स्टॉल खोला था। जब हमने वो वीडियो की थी ना उसके बाद बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी वहां पे, और वो दीदी अभी दूसरा भी स्टॉल खोल के बैठे हुए हैं, तो अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूँ, दिल से ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज यहाँ पर आए, और यहाँ पर इतना रश होना चाहिए, इतना रश होना चाहिए कि ये एक मोमो का वो है, दो तीन चार, और दीदी को अच्छी सी दुकान खोल के देंगे हम, खुलेगी उसके बाद खुद ही खोलेंगे ये। तो मैं जरूर चाहूंगा आप सारे यहाँ पर आए, पर ये मोमोज और ज्यादा टेस्टी है, मैं टेस्ट कर लेता हूँ। साथ में सूप तो फ्री में मिल रहा है, तो फ्री की चीज हम छोड़ेंगे नहीं, दे दोगे ना? तो हेल्दी सूप है, इसमें ये आला रूट नहीं डालते जैसे कि इच्छा दीदी ने बताया। तो सूप भी टेस्ट करते हैं और मोमोज भी खाते हैं। सीरियसली मोमो बहुत ज्यादा यम है, सूप भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। अच्छा शेयर जी, एक बात पूछूं, मतलब जब आपने मोमोज का स्टॉल खोलने के बारे में सोचा, दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आया आपके, या थोड़ा डर नहीं लगा कि यार? डर तो लगा था थोड़ा सा कि चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, हिम्मत की सही। कोई दोस्त वगैरह है आपका? दोस्त भी नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसे ही सर अकेले रहते हैं। कोई बात नहीं, आज से मुझे भाई मान लो, दोस्त मान लो, जो मानना चाहते हो मान लो। मैं आपके पास हर हफ्ते में एक बार जरूर आऊंगा, सूप पीने आऊंगा भले, पर आऊंगा जरूर, ठीक है? और आप और देखो यार, मैं कहना चाहूंगा 23 साल की छोटी सी उम्र, मतलब मुझसे भी ये छोटे हैं, तो होता ना कई टाइम की ऐसे, जब 23 साल की उम्र में एक बच्चे की मौत हो जाए और एक सिंगल मदर हो जाए, दिमाग में कई सारे ख्याल आ सकते हैं। आजकल तो इतने नाजुक हो चुके हैं लोग कि कई लोग सुसाइड का सोच देते हैं, गलत काम करने का सोचते हैं, लेकिन हमारी श्रेया दीदी ने, मैम आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत मुझे आप पे प्राउड फील हो रहा है, और हमारी जम्मू की लड़की है और हमने सपोर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ यार प्लीज यहाँ पे आओ फतू चौकान के बिल्कुल साथ में, कल परसों यहाँ पर रश होना चाहिए, मैं दिल से ये चाहता हूँ। फास्ट फूड तो आप रोज खाते हो, कहीं ना कहीं तो जरूर जाते हो, तो वाई नॉट यहाँ पर आओ। एड्रेस मैंने आपको बता चुका है, हम मिलकर श्रेया दीदी के ये प्यारे प्यारे जो मोमोज बने हुए वो तो खाएंगे, साथ ही साथ इनको सपोर्ट भी करेंगे। एंड साथ में एक ही चीज बोलूंगा कि यार चीयर्स टू लाइफ, जिंदगी सब कुछ दिखाती है, हंसाती है, रुलाती है, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। और जिंदगी को जीने का तरीका जो मैं कहूँगा वो श्रेया जी हमें जरूर इंस्पायर कर रही हैं, तो यहाँ पे जरूर आना, मैं दिल से चाहता हूँ। साइनिंग ऑफ यू गाइस, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।